महिंद्रा की ओर से इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमें इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं इंडिया के अंदर 2024 के अंदर। लेकिन उसके पहले अगर बात करें तो गाड़ियों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह हमारे साथ आती है, हमारे पास जो भी करेक्टेड इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन वगैरह के साथ में आती है, वो हम आपके तक पहुँचाते हैं। हर एक वीडियो के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, तो जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा। एक और चीज़ सभी लोगों को पता होगी कि जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ब्रांड की ओर से पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं होती, तब तक कोई भी इन्फॉर्मेशन आप इंटरनेट के ऊपर, अक्रॉस द इंटरनेट के ऊपर देखो, उसको 100% सच नहीं माननी चाहिए। और उसमें हमारे वीडियोस भी इंक्लूडेड मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें अभी चल रही है। बाकी तो इन्फॉर्मेशन इसलिए होती है ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए, एक्सपेक्टेशन आपके उस चीज़ के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सको। उस चीज़ों के लिए हम ट्राई करते हैं कि क्रॉस चेकिंग और वेरीफाइड हुई इन्फॉर्मेशन ही आपके तक पहुँचे। तो इस वजह से हो सकता है आपको नंबर ऑफ क्वांटिटीज वीडियोस की मिल जाए, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्वालिटीज, मतलब कि लॉन्च प्राइस के बारे में करेक्ट इन्फो भी ज़्यादा चांसेस है और ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ में अपडेटेड मिलता रहता है। बाकी तो खैर स्टार्ट करते हैं 700 के साथ में। सबसे पहले बात करें तो एक्सटीरियर के अंदर ज़्यादा बहुत चेंजेस नहीं आने वाले, ऐसा बोला जा रहा है कि XUV E8 मतलब जो इलेक्ट्रिक वर्जन आएगा 700 का, उसके अंदर रियर के टेल लैंप्स कनेक्टेड होंगे। लेकिन 700 फेसलिफ्ट के साथ में क्या होगा वो अभी तक कंफर्म नहीं है। हालांकि 700 फेसलिफ्ट के साथ में आपको फ्रंट एंड रियर बम्पर चेंज हुए देखने को मिलेंगे, इतना अभी तक कंफर्म है। बाकी जनवरी 2024 को लॉन्च या फिर अनविलिंग एक्सपेक्टेड है। और 75,000 मतलब 75,000 से लेके ऑनवर्ड्स 1,00,000 तक की प्राइसिंग इंक्रीमेंट हो सकती है इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन विद द AX7L वेरिएंट टू द AX9 और AX9L वेरिएंट, क्योंकि सभी लोगों को पता है ये दो वेरिएंट्स नए आने वाले हैं। लेकिन ये दो वेरिएंट्स के अंदर कौन से फीचर्स एग्जैक्ट आएंगे वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुए हैं। हालांकि एक और चीज़ डिस्क्लोज हुई है कि अक्रॉस द वेरिएंट्स आपको इलेक्ट्रिक IRVM देखने को मिलेगा, फ्रंट की दोनों सीट्स, मेमोरी फंक्शन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिलेगी। एडास के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर बग्स वगैरह थे वो इम्प्रूव देखने को मिलेंगे। इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर UI और थीम को थोड़ा सा कस्टमाइजेबल और भी ज़्यादा उसको प्लश किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। बाकी तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे वैसे आपको वीडियोज़ के अंदर डिटेल में चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। और उसके अलावा एक्सटीरियर के बारे में जो लोगों के कंसर्न्स थे उसके अंदर अभी तो सबसे ज़्यादा ऐसा ही लग रहा है कि बम्पर्स वगैरह चेंज करेंगे, ज़्यादातर डिटेल में नहीं जाएंगे वो लोग, ट्वीक्स आपको हल्के फुल्के देखने को मिल जाएंगे डिज़ाइन लैंग्वेज के टर्म्स के अंदर। बाकी अभी देखते हैं क्या चीज़ें होती है। और XUV E8 जो होगी इलेक्ट्रिक वर्जन 700 का, वो तो डेफिनेटली रियर के अंदर कनेक्टेड टेल लैंप्स के साथ में आने वाला है, तो उस वजह से उसकी डिज़ाइन लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। और हमारी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।